नमस्ते संकल्प स्वागत है आपका इस लास्ट सेशन में बिकॉज यस yes, इस चैप्टर के बाद अपना सारा का सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ऑल ऑल फ्रेश फॉर एंड यस यार ग्रेट सो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो इसमें तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ए एम एम ए और रंटेस्ट से रिलेटेड वो भी मैं साथ में करवा दूंगा एकदम टिपिकल वाला थ्योरी है मैजिक बुक ओपन कर लो एंड एग्जाम uh, तक तुम लोग का मैजिक बुक है ना एकदम मतलब रंगीन हो जाना चाहिए अब मुझे है ना तुम लोग के तरफ से फोटोज चाहिए क्या फोटोज पे तुम लोग को फोटोज भेजना है कि तुम लोग ने मैजिक बुक को किस तरह रंगा है आई विल सीरियसली वॉन्ट टू नो यार के कितना मेरे को प्लीज ये नंबर पे तुम लोग व्हाट्सएप करना हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एज रिगार्ड मैजिक बुक एंड एज रिगार्ड यूजिंग इट मतलब वो कलर चाहिए मुझे मैजिक बुक के ऊपर तुम लोग के मार्कर्स का सो दैट आई फील हैप्पी दैट यस यार वी आर वर्किंग इन द राइट

ऐसा लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट है क्या करना है नहीं करना है कर लेना है सब साथ इसीलिए बोल रहा रहे मैजिक बुक लेके बैठना एक बुक पेन लेके बैठना साथ साथ में अंडरलाइन कर लो लिख लो नोटबुक में स्क्रिबल करते जाओ ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाएगा ये हो गया उसके बाद में भी जितने भी रिविजन सेशन मेरा सुन रहे हो बुक पेन लेके बैठना ही बैठना अदरवाइज नींद आ जाएगा वो नहीं होना चाहिए ठीक है मतलब मैंने तो इंटरेस्टिंग बना के रखा है तुम लोग स्पीड पे भी देख रहे हो अग्रीड बट फिर भी बुक पेन रहोगे ना तो कुछ ना कुछ स्क्रीबलिंग करते रहना मैं जो बोल रहा हूँ भले ही फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम सुन रहे हो इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल बाद में याद करोगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करते जाएगा and that's what you want, ठीक है? चलो, so करते हैं ये एनालिसिस uh, uh, काफी इंपॉर्टेंट uh, है इन टर्म्स ऑफ फाइव टू एट मार्क्स भी आ सकता है कुछ कुछ थियोर अपना दी इसमें से आ सकते हैं सो वी है, so uh, है पब्लिक तो भाई सिक्योरिटी का एनालिसिस करने के लिए महान लोगों ने बोला है कि दो ही तरीके हैं एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस मेरे को अगर आप पर्सनली पूछो आई ऑलवेज बिलीव इन फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कैसा है बताएगा मैं जब आएगा तब बताऊंगा तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि अच्छा मतलब कुछ टेक्निक्स के बेसिस पे बनाया क्या है we'll पर फंडामेंटल एनालिसिस है ना एकदम स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली डिक डाउन करता है और देखता है कि हाँ भाई कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है टेक्निकल एनालिसिस को कोई लेना देना ही नहीं है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है सोचो तो यही फंडामेंटल इश्यू लगता है मेरे को यार कि जिस कंपनी का इधर एनालिसिस चल रहा है उस कंपनी के बारे में कुछ तो पता हो टेक्निकल एनालिसिस को कोई लेना देना नहीं सोचो

मतलब इमीजिएटली एग्जाम के बाद वेंट टू गोवा आपको भी जाना है आपको चाहिए तो, सर, एक का ट्रिप तो बनता है साथ में तो मैं पूरा पैन इंडिया लेवल गोवा ट्रिप प्लान करूंगा वो दुर्पात की बात है फिलहाल तो एक हफ्ता गोवा में गया फिर पंद्रह दिन एक हफ्ते के बाद पंद्रह दिन मेरा जीएमसीएस था जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स तो वो पंद्रह दिन फिर बाद में मैंने पूरा जीएमसीएस का कोर्स किया अगेन इट वॉज फीन गुड डेज अभी भी मेरे पास टाइम बचा था एक महीने का ठीक है मेरा कंप्लीट हो गया था तो मैंने मैंने क्या किया मैंने ना वो टाइम पे थोड़ा कोचिंग लेना चालू किया तो मॉर्निंग सेवन टू टेन आई यूज टू टेक कोचिंग फॉर सी इंटरमीडिएट एंड मैंने बाकी का टाइम क्या किया टेक्निकल एनालिसिस के लिए अपने आप को एनरोल कर लिया तो एक फिफ्टीन डेज का कोर्स था टेक्निकल एनालिसिस का वो किया मैंने थोड़ा वहां से सीखा बट ठीक है फिर भी दिल अगर मुझे पूछो तो दिल तो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही है और फिर जेपी मॉगन ज्वाइन कर लिया कोई रिजल्ट आया क्लियर द एग्जाम एंड देन जेपी में जब हमको ड्यू डिलीजेंस करना होता है या हमको एनालिसिस करना होता है इट इज एब्सोल्यूटली ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस मतलब वो तो टेक्निकल एनालिसिस को वो लोग भाव भी नहीं देते तो फंडामेंटल एनालिसिस ही किया हुआ है मैंने प्रैक्टिकली भी और मैं बिलीव भी उसी में करता हूं मेरे को पता दोनों है नाउ व्हाट वॉट फंडामेंटल एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट कोई भी कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्टिगेट आई मीन इन्वेस्ट है तो मैं उस सिक्योरिटी का एनालिसिस करूंगा लॉजिकली समझो लॉजिकली समझोगे ना मैं बोल रहा हूं चीजें बहुत सही सिस्टमेटिकली हो जाएगी लॉजिकली बोलता है कि यार अगर मेरे को कोई भी कंपनी के शेयर्स में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करने के पहले कैन आई से उस सिक्योरिटी के बारे में मैं एनालिसिस करूंगा

फिर बाद में मैं दूसरी चीज एनालाइज करना चालू करूंगा जैसे कि कॉम्पिटिटर्स कौन है कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कॉम्पिटिटर का कितना ग्रोथ हुआ है कॉम्पिटिटर का पीएनएल स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा पीएनएल और उसके पीएनएल में कितना डिफरेंस है ओवरऑल ये इंडस्ट्री कितना ग्रो किया है इस इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन कितना था ऑल ऑफ दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ रहा है आपको ये आप लोग ने शार्क टैंक करके देखा ही होगा तो शार्क टैंक में वो लोग जो डिस्कशन कर रहे होते हैं ना ऑल ऑफ दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस आपकी कंपनी का एबिटा कितना है आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है कॉम्पिटिटर्स को आप कैसे आउट ग्रो करोगे आपका यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है वाई शुड पीपल परचेज योर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू अदर्स ऑल ऑफ दैट यस ऑल ऑफ दैट इज

तो अब यहां पे जब मेरे को डिस्कशन करना है तो मैं पूछूंगा क्या ये प्रोडक्ट का फ्यूचर है क्या समझ रहे हैं आप लोग तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज सो इन जनरल आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में जैसे इंडिया में यहां पर लोग और ये प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना है अपने को तो इंडिया में कितना स्कोप है इस प्रोडक्ट का समझ रहे हैं आप लोग सो ऑल ऑफ थिंग्स डिटरमाइंड कॉल्ड एज मैक्रो एनालिसिस कि भाई मैक्रो लेवल पे ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा होगा वो किस चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है ये पांच चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है एग्जाम में अपने को लिखकर आने का है क्या सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस व्हाट इज इकोनॉमिक एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब ओवरऑल आइडिया ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर तो भाई आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट कितना है इन्फ्लेशन ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना है और आप कितना रिटर्न रिटर्न ला रहे हो वो एक है ना अपना रियल तो मालूम पड़ा यार अपनी इंडस्ट्री का ग्रोथ एट परसेंट और अपनी कंट्री का इन्फ्लेशन है नाइन परसेंट तो क्या ही आप कमा रहे हो आप तो नेगेटिव वन परसेंट पे हो ऐसे कैसे चलेगा दीदी तो आपको देखना पड़ेगा भाई इन्फ्लेशन कितना है ओवरऑल क्या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है इन्फ्लेशन के ओवरऑल uh, ग्रोथ के आपके कंट्री के वैसा मानसून कैसा आने वाला है मानसून के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन समझ रहे हैं so, मनसून कैसा होगा एंड ग्रोथ रेट्स ऑफ ओवरऑल नेशनल इनकम कैसे बढ़ाए अपना जीडीपी जो रिलेटेड मेजर्स में आ जाए जीडीपी जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स अफेक्ट द इकोनॉमिक एनालिसिस बोलो मेरे साथ एक बार चलो एवरी बॉडी एक ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इनफ्लेशन मॉनसून एंड अदर फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड मेजर्स ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस दूसरे साइड पे है टेक्निक इन इकोनॉमिक एनालिसिस तो क्या टेक्निक अपन यूज करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए तो सबसे पहला आप लोगे एंटीसिपेटरी सर्वे तो आप एक सर्वे कराओगे क्या यार करोगे देख मेरा ना। इसको बोलते हैं ना तुम तो लोग ने सुना होगा ये ओके इन आपकी कम, आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मार्केट फिट किया है आपने मतलब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है क्या तो मार्केट फिट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा तो आपको घर घर में जाना पड़ेगा वहां पे कुछ सर्वे करना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कि भाई ये देखो ये मेरा मोबाइल है ये फ्री में हम आपको दे रहे हैं आप 10 दिन यूज करके बताओ आपको कैसा लगा आपको लग रहा है क्या सही है तो क्या किया आपने एंटीसिपेटरी सर्वे हमने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले एक एंटीसिपेटरी सर्वे लॉन्च कर दिया दूसरा बैरीमीटर या बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच तो देखो भाई लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया इज रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन क्या मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें डिजिटाइजेशन का स्कोप है क्या तो अगर वहां पे भी डिजिटाइजेशन हो रहा है तो लीडिंग इंडिकेटर्स आर सेइंग प्रोडक्ट में डिजिटाइजेशन का स्कोप है तो इसका मतलब मेरा भी इंडिया इज मूविंग स्टोरी में हो, जाएगा। अगर आपको याद हो तो सोलह में जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लाया था तो पेटीएम ने अपना फ्रंट पेज पे हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे पेटीएम का एड था क्योंकि तब उसको पता था कि अब तो डिमोनिटाइजेशन हो गया यानी नोटबंदी नोटबंद तो अगर नोट बंद है तो यूज करने वाले लोग क्या पेटीएम पेटीएम करो तो वो टाइम पे पेटीएम गुड रफ को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स एक बाकी भी और इंडिकेटर्स है तो वो देख लो कि भाई क्या है और बाकी इंडिकेटर्स दैट यस द कंपनी कैन डू गुड इन कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड लास्ट है मेरे लैगिंग इंडिकेटर्स लैगिंग मतलब पुराने पास्ट के बेसिस पे को देखना पड़ेगा कि भाई क्या ओवरऑल हो रहा है एंड देन इज इकोनॉमिक बिल्ड मॉडल बिल्डिंग अप्रोच कि भाई आपके कंट्री का इकोनॉमिक बिल्डिंग कैसा है मतलब इन द सेंस हाउ वेल आर वी डूइंग इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट ग्लोबली क्या अपने पास एफ आई आई फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर दे कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन आर कंट्री एंड कंपनी और नॉट इफ इट इज बींगेरी गुड जैसे अपना यहां पर मेक इन इंडिया तो मेक इन इंडिया इज अ गुड आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच आप लोग उधर लिख सकते हो सो दैट आपको ध्यान में रहेगा तो मेक इन इंडिया से पता चलता है दैट यस वी आर प्लानिंग फॉर अ गुड बिल्डिंग अप्रोच इन आवर कंट्री तो ये अपन लोग ने समझने की कोशिश की एक मैक्रो लेवल पे चीजें क्या चल रही है अब आ जाते हैं अपन लोग स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर कि भाई आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब भाई कितने टाइम तक आपका ये प्रोडक्ट रहेगा एग्जिस्टेंस ओवरऑल कॉम्पिटिटर्स कितने टाइम से है यू you नो know, कितने टाइम कॉम्पिटिटर आ रहा है अपना इंडस्ट्री बंद करके जा रहा है ऑल ऑफ दैट देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज डिमांड सप्लाई गैप बोस ऐसा कुछ प्रोडक्ट चुनो जिसका डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो क्या होगा पता है आप डिमांड को केटर कर पाओगे जितना आप सप्लाई करोगे उतना डिमांड को आप मैच कर पाओगे सो ट्राई टू एंटर इंडस्ट्री विच है डिमांड सप्लाई गैप ओके देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बैरियर्स टू एंट्री आपकी इंडस्ट्री में बैरियर्स टू एंट्री क्या है नाउ कुड कुड बी बी फाइनेंशियल बैरियर्स बैरियर्स पेटेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आज रिलायंस जियो के जैसा कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करना है तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इच्छा रख सकता हूँ पर मेरे पास क्या पचास हजार करोड़ पैसा है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए द फाइनेंशियल बैरियर है या एनी बड़ी कैन कम एनजॉय वैसे कोई और इंडस्ट्री होती है उसमें फॉर एग्जांपल मैं कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचना है तो ऐसे ही मैं स्टार्ट नहीं कर सकता देर आर लीगल बैरियर आपको परमिशन लेने पड़ेंगे आपको लगता है आप होटल चालू कर सकते हो इतना जल्दी ऐसे नहीं आपको फूड कमीशन के पास से लाइसेंसिस लेने पड़ते हैं सो so, वैसा होता है गवर्नमेंट एटीट्यूड कैसा है आपके प्रोडक्ट के लिए राइट सो इफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव फॉर योर प्रोडक्ट वेरी गुड तो आपको कुछ इंसेंटिव भी मिल सकते हैं एंड इट कैन ओवरऑल हेल्प स्टेट ऑफ इन द इंडस्ट्री ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई कॉम्पिटेटर एनालिसिस करना पड़ता है कॉस्ट कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है अब देखो ये टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि हमको कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारे प्रोडक्ट से और तुम्हारे प्रोडक्ट के कॉस्ट से जबकि फंडामेंटल एनालिसिस बोलता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो इस प्रोडक्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है कितना कॉस्ट लग रहा है पर यूनिट आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ऐसे एनालिसिस करता है फंडामेंटल एनालिसिस यस yes, सर ये तो हमने शॉर्ट टाइम में देखा एग्जैक्टली exactly, वही बता रहा था आपको तो याद रखने के लिए काम भी आएगा देन इज समथिंग कॉल्ड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कि भाई कितना आपने टेक्नोलॉजी एंड एंड रिसर्च को यूज किया इन योर इंडस्ट्री हाउ इट हैज हेल्प और नीचे लेवल पे लेके गया देखो कोई भी प्रोडक्ट को फंडामेंटली एनालाइज करना है ना मैंने किया है प्रैक्टिकली मैंने कितनी सारी कंपनीज को फंडामेंटली एनालाइज किया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसका मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब क्या कि भाई टोटल ग्लोबल एनवायरमेंट में इंडिया के एनवायरमेंट में ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें जो भी हम लोग ने देख लिया ओवरऑल बेसिस पे फिर बाद में स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ऊपर आ गए कि भाई ये इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है तो मैं अगर आपको बोलू ना तो ये जो इकोनॉमिक एनालिसिस है ना माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का ये तो हम कोई भी प्रोडक्ट हो दुनिया में ये बाय डिफॉल्ट करना ही है से फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल बेचने वाला हूँ या खरीदने वाला हूँ या मैं ए सी खरीदने वाला हूँ मैं कोई नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ कुछ भी हो जाए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस तो डिफॉल्ट है, है कि भाई ओवरऑल इस कंट्री का फ्यूचर क्या है अगर कंट्री का फ्यूचर माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अच्छा है तो हम लोग प्रोडक्ट लेवल पे आएंगे समझ समझो तो हम लोग प्रोडक्ट लेवल पे आएंगे तो अब हम लोग ने यहाँ पे इंडस्ट्री का एनालिसिस किया कि भाई चलो तो मोबाइल बेचना है तो तेरा

मतलब क्या है वेरिएबल्स बराबर है वेरिएबल्स कौन पहनता है ये वेरिएबल्स कैन आई से द यूथ स्पेशली ऑफ द एज 18 टू 25 अब मैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करूंगा कि इंडिया में 18 टू 25 एज के लोग कितने हैं एक एंटीसिपेटरी सर्वे कराऊंगा कि वो लोग कौन सा आज की तारीख में वेरिएबल ब्रांड यूज कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोग सो ऑल ऑफ दैट हेलो हेलो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स

अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए ठीक है ओवरऑल ग्रोथ कैसा रहा है इन जनरल साइज एंड रैंकिंग मार्केट साइज कितना है और उसमें तेरा शेयर कितना है तेरा रैंकिंग कितना है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑब्वियसली ऑफ पी एन एल बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट सब करेंगे कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है क्या कुछ भी तेरे को तो वो अपने को देखना पड़ेगा कि भाई क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मैंने बोला ना यूएसपी क्या है आपका तो ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप क्या लेकर आ रहे हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट शुड बी गुड कई बार मैनेजमेंट है ना जेल गया हुआ होता है कि भाई ये इसका जेल गया है so तो एंड ना आपकी कंपनी में राइट right? वैसा क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे अपन लोग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग कि भाई किसके पास कितना इक्विटी है प्रोमोटर्स के पास ज्यादा इक्विटी होना चाहिए तो इसका मतलब कि भाई चलो प्रोमोटर्स इन्वेस्टेड है तो वो लोग कंपनी को अच्छी तरह से चलाएंगे मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर्स मतलब आज की तारीख में मार्केट क्या है शेयर्स का इजीली बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं लिस्टेड है कि नहीं है लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट लोकेशन एंड लेबर एंड मैनेजमेंट रिलेशन बोथ ऑल्सो है कहाँ पे आपके फैक्ट्रीज है लेबर अनरेस्ट तो नहीं है एंड मैनेजमेंट रिलेशन इन जनरल विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय शुड ऑल्सो बी गुड तो जब ये तीनों एनालिसिस जो अभी मैंने किए जब ये तीनों ज्वाइन हो जाते हैं ना तब बनता है मेरा फंडामेंटल एनालिसिस राइट एंड जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं स्टार्ट करूंगा समथिंग कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस तो अभी क्या आप लोगों को समझ में आ गया एंड दिस इज एक्चुअली हाउ वी यूज टू एनालाइज अ कंपनी जब हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता था समझ रहे आप लोगों को लॉजिकली समझ में आ गया फंडामेंटल एनालिसिस तीन पार्ट में होता है एक मैक्रो लेवल पे इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है समझ रहे सर ग्लोबल लेवल पे वॉर्स चालू है रशिया यूक्रेन वॉर चालू है चाइना टाइवान वॉर चालू है और भी कोई वॉर चालू है अब अगर ऐसा वॉर वाला सिचुएशन है case, का अच्छा नहीं है फिर डिफेंस कंपनीज का फ्यूचर अच्छा है तो उधर ही बात खत्म हो गई बट अगर मैक्रो लेवल पे अच्छा है चलो इंडस्ट्री लेवल पे आओ इंडस्ट्री लेवल अच्छा लग रहा है चलो कंपनी लेवल पे आओ एंड कंप्लीट योर फंडामेंटलिस अगर कुछ भी फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड आता है सो यू नो कैसे उसका डिविजन हो गया है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स factors इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी दो चीजें। है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस एंड उसके इंडिकेटर्स क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को इन जनरल इन्फ्लेशन क्या चल रहा है जीडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नेशनल इनकम कितना है मानसून कैसा चल रहा है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट कैसा है राइट right? ओके okay. अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी सर्विस उसके बाद में लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है रफली को इंडिकेटर्स एंड लास्ट इज इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच जो मेक इन इंडिया के जैसा है चलो ये हो गया अपना माइक्रो लेवल पे अभी लोग आ जाते हैं और इंडस्ट्री लेवल पे ऊपर आ जाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे देखना है अपने लें इंडस्ट्री का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा है डिमांड सप्लाई गैप है कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई गैप बैरियर्स टू एंट्री टेलीकम्युनिकेशन जियो मेको सीधा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नॉट आई मीन मुझे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करनी है कि नॉट गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है अपने बिजनेस को लेकर कॉम्पिटिशन कितना है अपने पार्टिकुलर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑल ऑफ एनालिसिस एंड लास्ट में आ जाता है है मेरा company -specific analysis. ये तो general है, कुछ भी लिख आओ इसमें तो अपने को पता ही है जो भी अपने के के ना लिख कर आओ नेटवर्थ बुक वैल्यू अकाउंटिंग रेशियोज में पढ़ा है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स राइट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये सब साइज एंड रैंकिंग मार्केट साइज और मार्केट शेयर बेसिकली ग्रोथ कितना है अपना रेगुलेटरी एनवायरमेंट uh, कैसा है अपने पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस जिसमें बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है कॉम्पिटेटिवली हाउ वेल वी आर डूइंग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कोई फ्रॉड वॉड नहीं होना चाहिए अपनी कंपनी में सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस स्टेटिस्टिकल एनालिसिस अपने ओवरऑल ग्रोथ का पैटर्न ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर कैसा है अपना लेबर रिलेशन लोकेशन अपनी बिजनेस का एंड लेबर रिलेशंस एंड लास्टली मैनेजमेंट रिलेशंस अगर ये सब अच्छा है देन इन दैट केस वी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल एनालिसिस गॉड इट गाइस डन सो ये तीन मेरे यू कैन से द मेजर थम्स है ऑफ माय फंडामेंटल एनालिसिस डन एकदम दिमाग में अब और दो तीन बार सुन लोगे ये बीस मिनट का लेक्चर तुम लोग को का कभी भी कोई भी है, तो है, लो है गाइस ध्यान से सुनना कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस में है आपकी कंपनी का बिजनेस में कॉम्पिटिटर कौन है आपकी कंपनी का बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है जी हाँ क्या बात कर रहे हो सर यस अपने को एज चार्ट एज प्रोफेशनल ये चीज मतलब समझ में ही नहीं आता है लगता ही नहीं क्या ऐसा भी हो सकता है आंसर यस yes. ऐसा भी एक टेक्निकल एनालिसिस तो सर टेक्निकल एनालिसिस क्या बेसिस के ऊपर रन करता है वेल इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द पास्ट बिहेवियर के पास्ट में अगर कंपनी का शेयर इतना ऊपर गया उसके बाद में कैसा रिएक्शन किया तो बेसिकली सेंटीमेंट्स के ऊपर चलता है हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल्स के ऊपर चलता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जी हां ओवरऑल प्राइस का शेयर का मूवमेंट कैसा हो रहा है और ये शेयर के मूवमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि भाई देख आज से पांच साल पहले कंपनी का शेयर इतना गिरा था उसके बाद में ऐसा सेंटिमेंट आया था कि कंपनी का शेयर इतना ऊपर चले गया या फिर कुछ कंपनी है जिसका अरे इतना गिरा था उसके बाद वो और नीचे गिर गया उसके बाद वो और नीचे गिर गया तो उससे आप कंपनी के सेंटिमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं एंड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस सो टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ्स और चार्ट्स ऑन द दिन

ऑल ऑफ दैट ठीक है सो प्रिंसिपल्स क्या है हिस्ट्री टेंड्स टू टेंट इट पहले हुआ है वो फिर से वापस होगा तो अगर आपने पहले के एनालिसिस और सेंटीमेंट्स को ध्यान दिया है सेम चीज वापस होगी प्राइस मूव इन ट्रेंड्स ये ट्रेंड हो गया कंप्लीट अब दूसरा ट्रेंड दूसरा ट्रेंड हो गया कंप्लीट अब तीसरा ट्रेंड प्राइस मूव इन ट्रेंड मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब है टेक अकाउंट ऑल ऑफ फैक्टर्स इमोशनल फैक्टर्स एंड देन दैट ट्रेंड इज डिसाइडेड जिसको अपन बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब होता है कि भाई जो भी स्टॉक का प्राइस आपको दिख रहा है ना उसमें मार्केट ने सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस Uh, कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन है प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सब आ चुका है इसमें मार्केट को सब पता है समझ रहे हो तुम लोग सो मार्केट से बड़ा कोई नहीं कई बार अपन सोचते हैं अरे अब तो मार्केट ऐसा होगा वैसा होगा होगा कुछ और ही क्यों? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग मार्केट ओनली मार्केट नोज पे जाना है कहां पे आना है इवन बिगेस्ट ट्रेडर्स लाइक वॉरेन बफे राकेश झुंझुनवाला से दस में से हमारा भी सात या आठ ट्रेड राइट होता है दो ट्रेड तो हमारा भी रॉन्ग होता है तीन ट्रेड तो हमारा भी रॉन्ग होता है तो जब वो दुनिया के सबसे अमीर लोग ये बोल रहे हैं तो आप और मैं तो क्या ही चीज है राइट सो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग और मार्केट नोज एवरीथिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टॉक प्राइसेस अच्छा एवरीबॉडी यस सर सो ये है अपना पूरा सीन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस तीन चीजें ये लिख कर आनी है जो उसके प्रोसेस या प्रिंसिपल्स है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग मतलब मार्केट नोज एवरीथिंग ऑल द स्टॉक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल द इनफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक मार्क प्राइजेस मूव इन ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इट इसके लिए वो बोला इमोशनल डिसीजन के बेसिस पे आता है सो टेक्निकल टेक्निकलिस मेथड ऑफ साइज शेयर प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ बेस्ड ऑन प्राइस ग्राफ्ट एंड चार्ट

कोई भी ट्रेंड लास्ट फॉर वन ईयर टू थर्टी सिक्स मंथ विच इज थ्री इयर्स देन इट इज कॉल्ड एज अ बेर और बुल मार्केट मतलब अगर एक से तीन साल के बीच में एक पर्टिकुलर ट्रेंड ही फॉलो किया है देन इन दैट केस दैट कैन बी सेड अ टोटल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट हाँ यार मार्केट खराब है हा यार मार्केट बहुत अच्छा है अगर आप लोग इंडिया का मार्केट आउटलेट आज की तारीख में देखोगे ना वी आर इन अ बुल रन क्या होता है पता है दस दिन मार्केट ऊपर जाता है एक दो दिन नीचे जाएगा वापस दस दिन ऊपर खींच लेगा पहले क्या होता था दो दिन ऊपर गया दो दिन नीचे गया तीन दिन और थोड़ा ऊपर गया दो दिन ऊपर नीचे गया चार दिन और ऊपर गया एक दो दिन नीचे चलेगा मतलब देर वॉज लाइक बोलते ना बिखरा हुआ ट्रेंड था आज अगर आप लोग देखोगे ना देर इज अप ट्रेंड थोड़ा सा डाउन फिर वापस अप ट्रेंड वी से दैट वी आर इन अ बुल मार्केट वैसे ही 2008 में जब अमेरिका में रिसेशन आया था जब एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था रिलेटिंग टू तो सब प्राइम मॉडगेज तब वहां का ट्रेंड हो गया था बेयर मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट फेल थोड़ा सा ऊपर फेल थोड़ा सा ऊपर फेल तो एक ट्रेंड पता चल गया जिसको बोलते हैं प्राइमरी मूवमेंट फिर आया दूसरा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट दिस इज शॉर्टर पीरियड सो दिस लास्ट फ्रॉम टू वीक्स टू मंथ And then, daily basis पे अपने को तो पता चलता ही है कि कैसा क्या चल रहा है, ठीक है so, आपको किसी को अगर ऐसा टर्मिनोलॉजी देना है यार देन फॉर दैट यू विल है ओवरऑल ट्रेंड ऑफ वन ईयर टू थर्टी सिक्स मंथस और उस ट्रेंड पे आप फिर अपने चीजों को कंक्लूड कर सकते हो दिस इज वॉट वॉज टोल्ड बाई मिस्टर चार्ल्स डाउ चार्ल्स डाउ से रिलेटेड क्वेश्चन आया जैसे ये क्वेश्चन आएगा डाउ थियोरी तो आपको तीन चीज ध्यान रखनी है तीन मोमेंट प्राइमरी सेकेंडरी डेली फ्लक्शन प्राइमरी वन ईयर टू थर्टी सिक्स मंथ सेकेंडरी शॉर्टर देन प्राइमरी एंड इट ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑपोजिट इन डायरेक्शन मतलब ये आपको इससे बहुत एकदम ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि क्या चल रहा है लास्ट फ्रॉम टू वीक्स टू अ मंथ

तो तीन तरह के मेरे मूवमेंट्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी डेली एंड ये मुझे बताता है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है एंड दैट्स अबाउट द डाउ थियोरी अबाउट द चार्ल्स डाउ थी ओके तो समझो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है देन इन दैट केस क्या लिखकर आना है अभी समझ में आ गया ना किसने बनाया ये चार्ल्स डाउ ने टेक्निकल थ्योरी का एक फॉर्म है हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो उसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ Of the stock तुम के पास अगर एक बुक पेन है तो प्लीज लेकर बैठो और लिखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इससे बेस्ड ऑन टू थिंग्स वन मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टेड बाई चार्स डॉ दो इंडा क्या डी जे आई ए डाउ जो इंडस्ट्रियल एवरेज डी जे टी ए डाउ जो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज तीन तरह के मूवमेंट्स प्राइमरी मूवमेंट्स सेकेंडरी मूवमेंट डेली फ्लक्चुएशन प्राइमरी मूवमेंट से तो पता ही चल जाता है कि डायरेक्शन फिर फिर बताता है तो ये कंप्लीट हुआ अपना डाउ का फिर चलते हैं एलियट वेव ना ऑलमोस्ट ऑन ऑन यू कैन से सिमिलर लाइन है हमारा एलियट वेब भी सो दिस वॉज फॉर्मुलेटेड बाई एलियट इन दर नाइनटीन थर्टी फोर अब ये, ये यौर यौर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है तुम लोग अगर नोट करोगे ना तो ये देखो ये इसका वर्किंग एंड ये वेव्स का वर्किंग यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस अगेन वेव से आपको पता चलेगा किधर मार्केट जा रहा है सो एलियट वेव थ्योरी फाउंड दैट मार्केट एग्जिबिटेड अटेन रिपीटेड पैटर्न और वेवस सिमिलर यहाँ पे भी इसने वही बोला था भाई रिपीटिशन से पता चलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक मार्केट यहां से उसको पता चलता है भाई रिपीटेड uh, पैटर्न से एज पर दिस थियोरी वे विज अट ऑफ द मार्केट प्राइस फ्रॉम वन चेंज इन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट चेंज इन द सेम डायरेक्शन अब अगर ये वाला देखोगे ना तो कैसे इसका स्टार्ट थोड़ा सा डाउन फिर ऊपर फिर थोड़ा सा डाउन सो इससे अगेन आपको पूरा पता चल जाता है कि डायरेक्शन किधर जा रहा है ऐसा कभी नहीं होता है मार्केट में दैट इट जस्ट गोज इन वन डायरेक्शन थोड़ा करेक्शन तो आए आएगा ही आएगा दैट इज बट इन जनरल ट्रेंड क्या है उसका आपको आइडिया आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर वेव आर जनरेटेड इन द प्राइस इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है जैसे वहां पे तीन पार्ट था प्राइमरी सेकेंडरी एंड डेली वैसे यहाँ पे दो पार्ट है एक है इंपल्सिव पैटर्न दूसरा है करेक्टिव पैटर्न uh, किधर गया ये रिएक्शन वेव्स सो so, यहां पे देखो दो है एक है इंपल्सिव पैटर्न एंड दूसरा है रिएक्शन वेव जिसको अपन बोलते हैं करेक्टिव पैटर्न देर विल बी थ्री टू फाइव वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन एंड ये जो वेव्स है इससे अपने को पता चल जाएगा क्या है अपने ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड दिस मूवमेंट कैन इंडिकेट अ बुल फेज और अ फेज ऊपर जा रहा है बुल फेज नीचे जा रहा है बेर फेज

बैर मार्केट सो अगर बुल मार्केट है तो फिर वो फॉल करेगा थोड़ा सा करेक्टिव फिर ऊपर जाएगा बुल मतलब बट करेक्टिव वेव क्या करेगा थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा इम्पलसिव पैटर्न क्या बताता है थ्री टू फाइव वेव इन अवन डायरेक्शन पूरा आपको पैटर्न बताएगा बुल रन है या बैर रन है ब्लूम हाईलाइट के वो एग्जाम में लिखकर आना है मार्केट एक्सिबिट अटेन रिपीटेड पैटर्न और waves. वन चेंज इन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट चेंज इन द सेम डायरेक्शन डन दो पार्ट में division. इंपल्सिव करेक्टिव इंपल्सिव पूरा ट्रेंड बताएगा करेक्टिव विल गो अगेंस्ट द नॉर्मल पैटर्न तो बुल पैटर्न चल रहा है तो करेक्टिव नीचे जाएगा बेर पैटर्न चल रहा है तो करेक्टिव ऊपर जाएगा डन right? ये तो हमारे है. लेट वेव थियरी फिर आ जाता है रैंडम वॉक थियरी रैंडम वॉक थियरी तो बोलता है कि मार्केट का कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं है ना फंडामेंटली कोई मार्केट है ना थियोरिटिकली कोई मार्केट है मार्केट का अपना खुद का ही जलवा है और वो खुद के अपने हिसाब से चलता है ये देखो पहला लाइन प्राइस ऑफ शेयर्स कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड द रीजन इज दैट प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स बट दे रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ पास डेटा सो उनका मानना है रैंडम वॉक का मानना है दैट मार्केट इज रैंडम there may be periodical ups or downs in share prices but no connection can be established between two successive peaks high price of stocks peak ka opposite hota hai trough or low price of stocks hmm. so aisa koi connection hai hi nahi मार्केट अपने हिसाब से मूव करता है मार्केट randomly मूव करता है suppose कोई गारमेंट कंपनी है स्टॉक ट्रेडिंग एट डॉलर हंड्रेड फायर का न्यूज आया स्टॉक प्राइस फेल बाय

प्राइमरी मूवमेंट सेकेंडरी मूवमेंट डेली फ्लक्चुएशन देन इन दैट केस कौन सा थ्योरी को वो सपोर्ट करता है या फिर वो अगर आपको बोलेगा कि भाई देर आर इम्पल्सिव पैटर्न एंड करेक्टिव पैटर्न इट बिलोंग्स टू विच थियोरी एलियट वेव थियोरी या वो आपको बोलेगा प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड हु रैंडम वॉक थियोरी समझे सो प्राइस ऑफ शेयर इन अ स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड रीजन इज दैट प्राइस ट्रेंड आर नॉट रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स बट दे रिप्रेजेंट अ स्टेटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट डेटा पीरियोडिकल अप्स होंगे, पीरियोडिकल डाउन होंगे बट कोई कोई कनेक्शन नहीं है नो कनेक्शन कैन बी एक्टेब्लिश बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स और ट्राउस लो प्राइस ऑफ स्टॉक्स रैंडम वॉक थिय क्या बोलता है स्टॉक प्राइसिस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर नेक्स्ट एफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस एफिशियंट मार्केट बहुत कम कंट्रीज है जिसका जा, जा जा मार्केट एफिशिएंट होता है सर एफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या जैसे एफिशिएंट मार्केट मतलब सारा इंफॉर्मेशन सब लोगों के पास अवेलेबल है अब जैसे हर्षद मेहता है ना हर्षद मेहता के टाइम पे अपना मार्केट बहुत इन एफिशियंट था डेवलप हो रहा था तो उसके पास है ना इंटरनल न्यूज काफी सारा आ जाता था अब अगर आपके पास इंटरनल न्यूज आ रहा है तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसी कोई भी कंट्री जिसके स्टॉक मार्केट में आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकते हो शोज दैट इट इज अ अफिशियंट मार्केट एफिशियंट मार्केट वो होता है जहां पे सारा न्यूज सबके पास अवेलेबल होता है इंडिया में आज की तारीख में सेबी आरबीआई ये सब रेगुलेटरी बॉडीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपके लिए कोई भी तरह का इंटरनल कुछ चीजें मैनेज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड दैट इज द रीजन इंडिया एफिशियंट मार्केट होते जा रहा है बट ऐसा पहले नहीं था पहले ऑपरेटर मार्केट भी होता स्पार्ट तो स्टील, स्टील सब जगह से स्पार्ट स्टील स्पार्ट स्टील बट तब मालूम पड़ा कि वो तो खाली एक मार्केटिंग का एक गिमिक था ऑपरेटर वाला मैंने खरीदा और उसका प्राइस कम से कम चालीस पचास परसेंट गिर गया उस दिन रियलाइज हुआ कि भाई ट्रेडिंग करना है तो खाली एक ही तरीका है और वो है फंडामेंटल एनालिसिस के साथ और आज तक मैं उसी बात में मानता हूं तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलता है कि बॉस एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एवरी इन्वेस्टर दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ मार्केट दैट यू शुड इन्वेस्ट इन सो क्योंकि तभी इंफॉर्मेशन इज इजिली अवेलेबल अब अगर ऐसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़े जहां पर मेरे को पता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वो हर्षद मेहता या केतन पारे के पास अलग से इन्फॉर्मेशन है तो ये तो यार गलत बात हो जाएगी ना बस वही बात है सो इंफॉर्मेशन इज फ्रीली एंड इंस्टेंटेनियसली अवेलेबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स दैट इज एफिशिएंट मार्केट थियोरी कीन कंपटीशन अमंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंश्योर्स दैट मार्केट विल रिफ्लेक्ट इंट्रेंसिक करेक्ट वैल्यूज तो अगर फ्रीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो प्राइस है वो सही आएगा अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है जैसा मैंने बोला हर्षद मेहता केतन पारे के टाइम पे फ्रीली अवेलेबल नहीं था जैसे स्पार्ट के टाइम पे मेरे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं था इन्फॉर्मेशन मुझे तो गलत इन्फॉर्मेशन मिला बराबर रियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं था तो गलत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से मार्केट क्या था इस्पार्ट का जान बुझ के उस हाई प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा था बट उसका रियल इंटरसिक वैल्यू यहां पे था इवेंचुअली इवेंचुअली इट कम्स डाउन इट कम्स डाउन और फिर सर फिर सबके पास अवेलेबल होगा तो प्राइस में मूवमेंट कैसे होगा जब कोई नया इंफॉर्मेशन आएगा तब सो प्राइस चेंज ओनली टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड देर फॉर अनप्रिडिक्टेबल सो कोई नया इंफॉर्मेशन आया दैट इज वेन द रियल प्राइस विल चेंज एंड उस हिसाब से चीजें वर्कआउट होगी कुछ मिसकनसेप्शन है uh, के, पहला, earn long -term return, ऐसा कुछ भी नहीं है वॉर को देख लो राकेश झुंझुनवाला को देख लो राइट प्राइस कैन नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू एज फ्यूचर इज अनसर्टेन एक मिसकनसेप्शन है प्राइस कैन रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू

इसको कैसे याद रखना है सर चलो मैं दोनों चीज आप लोगों को बताता हूं सो so, सबसे पहला एफिशिएंट मार्केट क्या होता है इंफॉर्मेशन शुड बी फ्रीली एंड इंस्टेंटियसली अवेलेबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर ये नहीं है तो इट इज अ एफिशियंट मार्केट दूसरा कीन कॉम्पिटिशन अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंश्योर्स दैट मार्केट रिफ्लेक्ट ट्रू इंट्रेंसिक वैल्यूज

मार्केट चेंजेस कोई भी न्यूज आया जो अन एक्सपेक्टेड है किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में तब मार्केट उस पर रिएक्ट करके नया प्राइज लाएगा वैसा मिसकनसेप्शन क्या क्या है इन्वेस्टर कैनॉट अर्न कंसिस्टेंट इन लॉन्ग टर्म रिट कैनॉट अर्न कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न तो यह तो गलत बात है दे कैन प्राइस के नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू एज फ्यूचर इज अनसर्टेन ऐसा नहीं है प्राइस इज डू रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू

तो डेवलपिंग कंट्रीज में यह होता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी डेवलप्ड मार्केट में यह होता है प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइजेस एंड वॉल्यूम्स तो प्राइस के थ्रू आपको पता चलता है पास्ट प्राइसिस के थ्रू तो यह वीक फॉर्म है क्रास्ट प्राइजेस के थ्रू नहीं करंट इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चलना चाहिए सेकंड क्ट नॉट ओनली ऑल इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड पास वॉल्यूम बट ऑल्सोल इन्फॉर्मेशन एंड यहाँ पे वीक फॉर्म ऑफ एफिशी में प्राइज खाली पास्ट के बेसिस के ऊपर जो दिख रहा है प्राइस वो खाली पास्ट के बेसिस पे आपको पता चलता है ओके यहाँ पे पास्ट प्लस पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुल में पास्ट

अगर प्राइस रिफ्लेक्ट्स ओनली रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड पास्ट डेटा तो इट इज वीक फॉर्म प्राइस रिफ्लेक्ट पब्लिक प्लस पास्ट देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रॉन्ग एंड फिर अगर पब्लिक प्लस प्राइवेट सब इंफॉर्मेशन है देन इट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म समझ में आई बातें डन सो so ये होता है मेरा लेवल ऑफ मार्केट एफिशियंसी मी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉ फॉर्म चलो नेक्स्ट चैलेंजेस टू एफिशियंट मार्केट थियोरी इंफॉर्मेशन अभी अगर वापस से यही सिमिलर पॉइंट इंफॉर्मेशन अगर इन एडिक्यूएट हुआ तो आपका मार्केट एफिशियंट नहीं होगा अगर आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है आपका मार्केट एफिशियंट नहीं होगा इेशनल बिहेवियर है कंज्यूमर्स का इेशनल लोग कौन हुआ अर्षद मेहता और केतन पारिक देर इेशनल देट वॉज इशनल बिहेवियर स अगर कुछ कार्टेल्स uh, पूरा आपका स्टॉक मार्केट आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसको डॉमिनेट कर रहा है आपके पास जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज नॉट अवेलेबल टू पब्लिक प्राइवेट एवरीथिंग सो इट इज नॉट एफिशियंट समझ में आ गया सो दीज आर दैलेंजेस क्या इंफॉर्मेशन एडिकुएट नहीं है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एडिकुटली नहीं हुआ है इेशनल बिहेवियर है और कोई पर्टिकुलर कार्टेल चल रहा है इन्फ्लुएंस चल रहा है इन दैट केस डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि फंडामेंटल किस चीज पे ध्यान देता है और टेक्निकल किस चीज पे ध्यान देता है आप लोग कमेंट करके बताओ कि देखो एज अ चार्टर्ड एज अ प्रोफेशनल यू विल ऑलवेज आई नो बिलीव इन फंडामेंटल बट आप में से कोई है जो टेक्निकल पे भी बिलीव करता है या आपको बताना है कमेंट करके बॉस फंडामेंटल एनालिसिस बेटर है या टेक्निकल एनालिसिस बेटर है बताना सो so दैट देखो ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिकली थोड़ा लिखते हो करते हो दिमाग लगाते हो तो एग्जाम में भी ये सब चीजें क्लिक होगी ट्रस्ट विल हेल्प यू मेथड आर बाय एनालाइजिंग इकोनॉमीज माइक्रो फैक्टर्स सच एज कंट्रीज जीडीपी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट ऑफ कंपनीज माइक्रो फैक्टर्स लाइक सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कैश पोजिशन ये सबसे होता है डिटरमाइन फंडामेंटल तुम्हारा टेक्निकल क्या है predicts future and their direction using using a oh lot historical data market sentiments information such as price movements volume etc price for a share discounts everything price captures everything similar point here This long-term investing kill a short-term investing बराबर है लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए हाँ शॉर्ट टर्म के लिए करना है चल भाई पास्ट के बेसिस पे इतना गिरा है उसके बाद ये उतना ऊपर होता है चल यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया थोड़ा ऊपर गया बेस दो बात तो टेक्निकल में उतना चीज चलता है फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस सिंपल है मेन अगर ये आ गया तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो ध्यान रह गई एंड ये पॉइंट बहुत इन्वेस्टिंग है इंटरेस्टिंग है क्या टेक्निकल प्रेडिक्ट्स फ्यूचर प्राइजेस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मार्केट डेटा हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट हिस्टोरिकल वॉल्यूम हिस्टोरिकल सेंटीमेंट्स ये जीडीपी नेशनल इनकम इन्फ्लेशन रेट इंटरेस्ट रेट सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कैश पोजीशन एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ चलो फिर आ जाते हैं कुछ चार्टिंग टेक्निक्स के ऊपर दिस यू कैन से दिस जो नीचे का ये तीन है ये बेसिकली ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं वो यूज करते हैं तो एक होता है लाइन चार्ट तो चार्टिंग टेक्निक्स में देर आर फोर मेथड लाइन चार्ट बार चार्टीज कैंडल स्टिक चार्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट ये देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को इधर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का ये दिखा देता हूं लाइन चार्ट इसे पता चलता है ये देखो ये टुडेज ओपनिंग टुडेज से क्लोजिंग फिर बाद में ओपनिंग क्लोजिंग तो इसे एक आपको ट्रेंड पता चलता है कि भाई क्या आपका हो रहा है बट किसके थ्रू थ्रू द हेल्प ऑफ अ लाइन इसको बोलते हैं लाइन चार्ट फिर बाद में होता है बार चार्ट फिर बाद में होता है बार चार्ट चार्टो ये एक बार की तरह आप लोग ऑपरेट करता है यहाँ पे ये रहा ये एक बार चार्ट है ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस लोएस्ट कितना है तो ये इससे एक बार बन गया आप लोगों का ये बार पे देखो ये ओपनिंग है से ये क्लोजिंग हो गया आपका बीच में क्या मूवमेंट्स आया है All of that is reflected through a इस पर बहुत अलग लेवल पे मतलब इस, इ, इ, ये, खाली ये कैंडल स्टिक के बेसिस पे मैंने है ना मेरा पूरा दस दिन का एनालिसिस किया था ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो मैंने बोला था ना एग्जाम के टाइम पे वो पूरा ये इसके बेसिस पे था वो लोग ना एक अप्रोच यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हैमर अप्रोच उनके लिए सब कुछ एक हैमर है किसी किसी भी जो इन्वेस्टर है जो ये टेक्निकल एनालिसिस करता है जैपनीज कैंडल स्टिक यूज करता है ना उसको पूछने का ये हैमर हैमर पता है हैमर, वो आपको बताएगा सो सुनो हैमर का मतलब क्या होता है ये बताता है ये ओपनिंग प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस ये ओवरऑल मूवमेंट्स क्या है अपना कभी कभी डाउन पे भी खुलेगा ये ओपनिंग ये क्लोजिंग वैसा तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है भाई क्या हुआ है? अगर हैमर इज गोइंग अप तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जा इनवर्टेड है।, है मतलब मार्केट नीचे रहा है है फॉर ये एक अपना लाइन है। तो हैमर ऊपर गया है नीचे गया है 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 उससे आपको पता चलता है। वो जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट और एक और होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट जहां पे आप प्रॉपर एक यू कैन से टेबल बनाते हो टेबल पे आप चार्टिंग यूज करते हो दैट्स इट सो चार तरह के चार्टिंग टेक्निक्स अगर एमसीक्यू के लिए आए तो वी शुड नो फर्स्ट इज लाइन चार्ट देन इज बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक एंड देन इज पॉइंट सिस्टम पॉइंट एंड फिगर चार्ट फिर बाद में आता है इंटरप्रिटिंग प्राइस पैटर्न अब ये इंटरप्रिटिंग प्राइस पैटर्न में क्या क्या आता है सबसे पहला है अपवर्ड चैनल दूसरा है वेज हेड एंड शोल्डर्स अब ये सब आप लोगों को यार क्या बताओ ये सब क्या ट्रेडिंग सेशन होते हैं 10 10 दिन का कोर्स होता है इनका कि भाई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न आ रहा है ये देखो ये हेड एंड देखो मैं आपको बताऊ क्या है हेड एंड शोल्डर्स तो ऐसा एक पैटर्न बनता है तो कई बार है ना कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसा एक पैटर्न बन रहा होता है तो अब उनको पता चल जाता है कि ये देख ये इधर शोल्डर बन गया है ये इधर हेड बन गया है अब हंड्रेड एंड वन परसेंट क्या बनने वाला है शोल्डर तो इससे पता चल जाता है कि अभी मार्केट कॉन्स्टेंट लेवल पे होगा कभी कभी वो लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर लगता है तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऐसा तो ये सब इनके अलग अलग सिस्टम्स है ट्रायंगुलर फॉर्मेशन सो ऐसा कोई ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है अपवर्ड चैनल तो राइजिंग प्राइजेस हुआ डाउनवर्ड चैनल करेक्ट तो फॉलिंग प्राइजेस हो जाएगा ये ये देखो ये डाउनवर्ड चैनल है अपवर्ड चैनल है अलग है फ्लैग्स एंड पेनेंट्स होता है तो ये ऐसा फ्लैग्स वाला भी एक पैटर्न है वो भी फॉलो होता है सो दीज आर वेरियस वेज इन विच कैन बी इंटरप्रेटेड जैसे ये अपवर्ड चैनल है तो इनका एक पैटर्न एक, एक, एक होता है ये एक चैनल ये ये है उसने तोड़ा या तो ऊपर या नीचे तो फिर मार्केट बहुत सारा टूटेगा या मार्केट बहुत ऊपर जाएगा ये अपवर्ड चैनल होता है वैसे वेज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस पैटर्न मैं मैं पूरा पूरा बताऊंगा आप लोगों को इन पर है है इनके ऊपर ऊपर खाली interpreting price pattern के उपर, दस दिन का कोर्स है. Uh, मेरे पास तो 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 नहीं था तो मैंने भाई थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया बोला आगे तो आगे करेंगे बाकी अपन तो फंडामेंटल करते यूज करते है नहीं है तो उसने कोई मतलब नहीं Basically, what I mean to say is, इनके जो है ना, वो ट्रेंड के बेसिस एनालिसिस होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट फिर ये दिख रहा है इधर गैप अप ये तो भाई इतना ये लोग यूज करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस वाले होता है गैप अप गैप डाउन तो अगर से जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहां पे बताया था ना कि समझो ये कैंडल स्टिक है समझो इधर एक कैंडल है ठीक है तो ये कैंडल है आज का अब समझो कल का कैंडल देखो ये आज का कैंडल है ये ओपनिंग ये क्लोजिंग आइडियली तो जहां पे ये क्लोज हुआ है वहां से मार्केट स्टार्ट होना चाहिए मार्केट स्टार्ट होता है यहां से तो ये जो डिफरेंस है ना बेटा इसको बोलते हैं गैप अप इसका मतलब क्या कि क्लोजिंग पे बंद हुआ है क्लोजिंग पे स्टार्ट करना ही नहीं मैं तो उसके भी ऊपर से स्टार्ट करेगा मतलब बॉस मार्केट फटने वाला है मतलब ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी फटने वाला है ऐसा उनका मानना है या फिर क्लोज डाउन गैप डाउन तो गैप डाउन भी होता है

ऐसा तो उनको लगता है ये भाई डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड चैनल अपवर्ड चैनल सो ऑलमोस्ट आई थिंक सिमिलर पॉइंट्स पे फ्लैग्स एंड पेनेंट्स ऐसा फ्लैग जैसा कुछ बनेगा तो यू कैन यूज दैट टू कम कैलकुलेट गैप अप गैप डाउन डबल टॉप फॉर्म बेरिश डिक्लाइन एंड डबल बॉटम फॉर्म बुलिश अपराइट प्राइस सो दीस आर फ्यू पैटर्न्स व्हिच आर देयर एंड लास्ट में है कुछ मार्केट इंडिकेटर्स ब्रेथ इंडेक्स यू जस्ट हैव टू लर्न देम कॉन्फिडेंस इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर एस ए आर एस आई भी बोलते हैं इसको ऑड लॉट थियोरी इससे आपको पता चलता है कि क्या आगे होने का चांसेस है जैसे से फॉर एग्जाम्पल आर एस आई है ठीक है से बीच में ना गोल्ड का आर एस आई था मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एट सिक्सटी फाइव थाउजेंड मतलब क्या हो रहा था गोल्ड सिक्सटी फाइव ही नहीं सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड पे था सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड पे मतलब मार्केट आ रहा है, आ रहा है 60 500 पे आ रहा है और फिर वापस नीचे गिर रहा है वापस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है फिर थोड़ा सा नीचे फिर वापस थोड़ा सा ऊपर आ रहा है फिर थोड़ा सा नीचे सो so, वो लोग ने देख लिया कि यार यहाँ पे यहाँ पे एक एक, एक आरएसआई बना हुआ है मतलब रेजिस्टेंस बना हुआ है काइंड kind ऑफ of. So, उनको समझ में आ गया कि भाई इसके ऊपर अभी नहीं जाने वाला मार्केट बट जिस दिन मार्केट ने ये सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तोड़ा इट वेंट ऑल सो ये इनका पैटर्न था कि भाई इफ इट इज गोइंग अप इट इज नाउ गोइंग टू गो वेरी उसने ये जो उसका आर एस आई था वो उसने तोड़ दिया है वो उसने तोड़ दिया है सो so, पांच मार्केट इंडिकेटर्स है यहाँ पे स इंडेक्स कॉन्फिडेंस इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन आर एस ए आर एस आई बोलते हैं इसको आर एस ए रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड तो ये जो लास्ट के तीन है खाली रीड करने का ध्यान में रहेगा ये बुक इसीलिए बनाया आप लोगों के एग्जाम टाइम पे जब इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी तो अब खाली मैंने एक लास्ट मोमेंट पे मैंने ये लेक्चर मेरा सुन रहे हूँ साथ में ये मेरे पास चीजें आ रही है हो गया दिमाग में सेट हो गया अब अगर कुछ भी आता है यू विल बी एबल टू मैनेज

चार्टिंग टेक्निक्स इंटरप्रिटिंग प्राइस पैटर्न एंड मार्केट इंडिकेटर्स दीज आर द्री वे विच मार्केट कैन बी एनाइज क्या क्या है लाइन चार्टीज कैंडल स्टिक चार्ट पॉइंट एंड फिगर प्राइस पैटर्न में अपवर्ड चैनल डाउनवर्ड चैनल है ये यूज कर लो एक अपवर्ड राइजिंग प्राइस डाउनवर्ड फॉलिंग प्राइस ये डबल टॉप बेर इज डि क्लाइन ये ऐसा ही है ये अगर मार्केट ऐसा होते हुए दिखे तो इट इज कॉल्ड एस डबल डबल टॉप

आप लोग को सब चीजें ध्यान में आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ समरी अब ऑब्वियसली इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी है वो भी कर लेना चाहिए बिकॉज अगर कभी एग्जाम में आ गया तो इट इज इजी एंड मैनेजेबल वैसे तो थियोरी डोमिनेटेड है बट प्रैक्टिकल भी आ सकता है डिसीजन डेटा यूज डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस एक है मूविंग एवरेजिस उसमें है अरिथमेटिक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ठीक है तो अब अरिथमेटिक मूविंग एवरेज से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक मूविंग एवरेज मतलब मैं ओवरऑल देखता हूं पांच दिन में क्या मूवमेंट हुआ है और उसका क्या एवरेज है पांच दिन में क्या मूविंग क्या मूवमेंट हुआ है और उसका क्या एवरेज है तो से फॉर एग्जाम्पल लास्ट पांच दिन का मैंने देखा एवरेज आया है फाइव हंड्रेड रुपीज स्टॉक का प्राइस फिर और अभी एक दिन और हो गया तो बाकी का पांच दिन बचा हुआ पांच दिन से फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट पांच दिन का अब और एक दिन हो गया सिक्स डे हो गया तो अब ये वन क्वार्टर दो तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स से अभी सेवन तो आ गया तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो ऐसे मेरे को तीन एक एवरेज प्राइसेस आ जाएंगे उससे मुझे एक ट्रेंड का पता चल जाएगा इज व्हाट अरिथमेटिक एवरेज मैथमेटिक एवरेज से मूविंग एवरेज से समझ में आया वापस से बताता हूं एक दो तीन चार पांच सपोज ऐसे पांच एक दो तीन चार पांच सपोज ऐसे मेरे पास पांच ट्रेंड्स यहां पे अवेलेबल है अब ये पांच में एक दो तीन चार पांच का, तो का एक एरिथमेटिक एवरेज ले लूंगा फिर बाद में क्या हो जाएगा सेवंथ डे आ जाएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कर लूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक सेवेंथ डे आ जाएगा समझ में आई आप लोगों को बातें बस यही तो

इसका ज वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव दिख रहा है ये दिखो, ये दिखो, ये देखो 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 मैं इधर कितना आया वन ट्वेंटी एट इसका फाइव डे एवरेज ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्स तो मुझे पता चल रहा है क्या एवरेज बढ़ रहा है 25.4 था 25.6 हो गया 25.7 हो 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 गया हो गया हो गया हो गया 25.9 26.2 26.4 बॉस मूविंग ट्रेंड ऊपर है अरिथमेटिक एवरेज बता रहा है अपने को कि स्टॉक बढ़ते जा रहा है स्टॉक अच्छे लेवल पे जा रहा है सर हमको ये इतना एक्साइटिंग नहीं लगा मत करो अपने को इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा कैलक्युलेट एम ए बेस्ड ऑन फाइव डेज टेन डेज अपने को कैलकुलेट करना आ गया क्या आ आ गया गया सर तो तो दिन दिन का जो है उसका summation. One, two, three, four, five. Divide back, दिन के लिए लिया है तो five. ये आ गया अपना अरिथमेटिक मूविंग एवरेज अब इसी से थोड़ा एक लेवल ऊपर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहां पे वो लोग ने फॉर्मूला यूज करने को अपने को बताया है आओ देखते। अब इसका जो फॉर्मूला है ना वो डायरेक्टली सम में अप्लाई करेंगे और फिर बाद में देखेंगे इट विल बिकम वेरी वेरी इजी सो ये देखो आईसीआई का ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है योर इट इज डेज दिया हुआ है सेंसेक्स दिया हुआ है भाई क्या चल रहा है तो थर्सडे को सेंसेक्स क्लोज हुआ वन फोर फाइव टू टू पे फ्राइडे को क्लोज हुआ वन फोर नाइन टू फाइव पे सैटरडे को ट्रेडिंग होता नहीं है कोई हॉलीडेज होगी फ्राइडे कोई बैंक हॉलीडे हो सकता है एंड देन अगेन मंडे का ट्रेडिंग है तो जो ट्रेडिंग डेज है अपने वही लें सबसे पहली बात वो है सेकंड कैलकुलेट ई एम एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज ऑफ द प्रीवियस डे एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज ऑफ सेंसे रूपीज फिफ्टीन थाउजेंड so, में रखना इस बात को दैट उन्होंने प्रीवियस डे ई एम फिफ्टीन थाउजेंड द वैल्यू ऑफ डेज इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू सर ये जो पिंक में हाईलाइट किया है ये जो येलो में हाईलाइट किया है सर ये क्या है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अब कहां पे यूज आने वाली है वो मैं बताऊंगा दिस विल बी यूज्ड वंस दिस विल बी यूज इन ऑल यू कैन से टेबल फुल टेबल में ये यूज होने वाला है कहां पे और बताता हूं सो so, देखो सेंसेक्स का फर्स्ट डे का मेरा क्लोजिंग क्या है वन फोर फाइव टू टू ठीक है ई एम ए फॉर प्रीवियस डे अपने को मालूम होना जरूरी है एंड यहां पर अगर अब तुम लोग देखोगे तो दिया हुआ है द प्रीवियस डे ई ए कैन बी एज्यूमड एड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड प्रीवियस डे 15,000 अब सेंसेक्स का क्लोजिंग माइनस फॉर प्रीवियस डे वो करना है विच वर्क्स आउट टू फोर एट मल्टीप्लाई बाय थर्टी वन डेज ई एम एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज जो दिया होगा क्वेश्चन में जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू तो जब आप फोर सेवेंटी एट को पहले तो फोर एट कैसे आया प्रीवियस डे ईएमए माइनस क्लोजिंग प्राइस अगेन अगेन सॉरी क्लोजिंग प्राइस प्राइस माइनस प्रीवियस डे ईएमए देखो फॉर्मूला सर इसको डिराइव करके बताओ ना भाई ये रिवीजन सेशन है यार समझो सो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे दिया हुआ है दियाट इज एक्सपोन Exponent for 31 days EMA is 0 0.062 into exponent plus previous day EMA. So, here pe dekho Closing today's closing minus previous day EMA 478 multiplied by EMA exponent DIY 0 0.062. 0 0.062 it works out to 29.636. परफेक्ट सर अब इसमें ट्वेंटी में मेरे को एडजस्टमेंट देना है क्या बोला है? देखो प्लस प्रीवियस डे तो, 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 तो मेरा है। तो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर सेकेंड एंड थर्ड लाइन भी बताऊंगा मैं उसके बाद आपके हवाले पे ठीक है हो सकता है आपके बुक में ये नंबर्स एज इट इज ये वाला कॉपी हो गया होगा बट अभी मेरा जो इधर बुक में दिख रहा है ना वो देख लो और खुद से चेंजेस कर लो तुम्हारा भी इस ने प्रैक्टिस हो जाएगा चलो अब आ जाओ सेकेंड के ऊपर सेकेंड का क्लोजिंग डे क्लोजिंग कितना है वन फोर नाइन टू फाइव मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूं पूरा का पूरा माइनस प्रीवियस डे क्लोजिंग ईएमए वो अब आ जाता है मेरा वन फोर नाइन सेवन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर वन फोर सेवन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर नाइन सेवन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर तो अब मेरे पास कितना बचता है वन फोर नाइन टू फाइव माइनस वन फोर नाइन सेवन जीरो पॉइंट थ्री तो ये आ जाता है माइनस फोर्टी अब अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ एक्सपोनेंशियल के साथ जो फिक्स पॉइंट टू पॉइंट अब क्या करना है जो मेरा प्रीवियस आया है उसके साथ एडजस्ट करना है वो है वन फोर नाइन सेवन जीरो पॉइंट थ्री सिक्स फोर के साथ जब मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं तो आ जाता है 14970.364 तो मेरे पास आ जाता है नंबर एंड दैट इज वन फोर नाइन तो ये अपन लोग ने पूरा खुद से कर लिया बस अब सेम चीज को कंटिन्यू करना है एंड अपना एक्सपोनेंशियल भी हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी हो गया मेन क्या है बाबूजी मेन फॉर्मूला क्या है बाबूजी क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे माइनस ईएमए ऑफ प्रीवियस डे इन टू एक्सपोन प्लस प्रीवियस डे ई एम एक्ट डन थर्ड वाला और एक जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया दिखाऊंगा so, अब वन फाइव ट्रिपल टू है ई एम ए तो ये इधर आ जाएगा करके पॉजिटिव आ रहा है मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें एड हो जाएगा तो वन फोर नाइन सिक्स सेवन प्लस फिफ्टीन अगर मैं करता हूं तो आता है वन फोर नाइन एट थ्री पॉइंट थ्री टू थोड़ा गिरा फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर ये तो बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है मैं मार्केट इज बुलिश मार्केट इज लाइकली टू तो रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म to medium term, if other factors remain same. On the basis of this indicator, the EMA can take long position. ये karte ho na jab aap expect kar rahe ho market to go up, तो आप क्या करते हो? Long position lete ho to यहाँ pe security analysis mein ye help karta hai EMA done, EMA done. अब एक last concept है, जिसको अपन लोग बोलते हैं run test method. One of important method, जो exam में around six to eight marks के लिए आ सकता है. थोड़े steps इसमें हैं, but उसको अगर बराबर से कर लिया, we will be done. चलो, let's start with this. अब ये भी पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है तो चलो आओ फट इसका भी आइडिया दे देता हूं आप लोगों को सबसे पहले स्टेप वन अपन क्या करेंगे पता है क्या? ये मेरा एग्जाम्पल है आईसीएआई का ही मॉड्यूल का एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल और ये फॉर्मूला साथ में तुम लोगों को करवाते जाऊंगा आराम से हो जाएगा बुक पेन लेके बैठो साथ साथ में कर लो हो जाएगा ठीक है चलो सबसे पहले डिनोट प्लस और माइनस साइन कहां पे करना है मैं बताता हूं कोई भी चेंज पे आपको प्लस और माइनस साइन डिनोट करना है कोई भी चेंज पे तो चेंज तो होने ही वाला है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल यहां पे देखो 2800 से 2780 हुआ है बढ़ा कि कम हुआ सर कम हुआ तो कैन आई से ये क्या हो गया इधर माइनस एग्जांपल 2780 से 22795 हुआ क्या हुआ बड़ा के कम हुआ सर बड़ा 2795 से 2830 सर बड़ा 2760 सर कम हुआ सर बढ़ा सर बढ़ा समझे कि नहीं अरे बोलो रे तो ये देखो इधर यहां पे माइनस डबल प्लस माइनस डबल प्लस माइनस डबल प्लस माइनस डबल प्लस ऐसे करते जाना है ऐसे करते जाना ऐसे पूरे 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 पूरे, पूरे क्वेश्चन के लिए करते जाना है डन प्लस माइनस आ गया आप लोगों को तो मैं इधर लिख सकता हूं प्लस साइन माइनस साइन आप लोगों को डालना आ गया अब आपको काउंट करना है जिसको बोलते हैं आर नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ रंच विच डिनोट द टोटल साइन ऑफ प्राइस चेंजेस मतलब 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 इधर प्लस से माइनस हुआ है तो क्या प्राइस चेंज हुआ है मतलब माइनस से प्लस या प्लस से माइनस हुआ है आंसर इज यस तो ये हो गया एक फिर प्लस टू प्लस क्या चेंज हुआ है नहीं फिर वापस से प्लस टू माइनस चेंज हुआ है यस फिर माइनस टू प्लस चेंज हुआ है यस समझ रहे तुम लोग ऐसे so, कितनी बार हुआ है वो अपने को यहां पे करके दिखाना है so, देखो इधर एक हुआ ये वन चेंज फिर प्लस था प्लस ही रहा नो चेंज फिर इधर प्लस था माइनस हो गया सेकेंड माइनस से प्लस हो गया थर्ड प्लस का प्लस ही रहा 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 फिर प्लस का माइनस हो गया फोर माइनस का माइनस ही रहा माइनस का प्लस हो गया फाइव प्लस का माइनस हो गया सिक्स माइनस 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 से इधर प्लस हो गया सेवन समझ में आ गया पर इधर एट आ रहा है उन्होंने फर्स्ट वाला भी अपने को लेना होता है इसके लिए अपना एट आ रहा है तो सेवन प्लस क्योंकि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाला तो चेंज है ही तो इधर अपना हो गया टोटल एट अब एन वन टोटल कितने प्लस है बताओ कितने प्लस है टोटल गिन लो मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूं वन च्यू वन चू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो टोटल कितने प्लस है इलेवन डन सर ओके उसके बाद नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस एंड टू सो यहां पे कितने नेगेटिव्स है वन चू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो कितने टोटल नेगेटिव्स है समझा तो मेरा एन वन टोटल कितने प्लस है एन टू टोटल कितने माइनस है आर कितनी बार चेंज हो रहा है समझना वापस से चेंज हो रहा है मैंने इधर चेंज के ऊपर हाईलाइट किया नहीं समझ में वापस से रिवाइंड करके सुन लो समझे ना हाँ प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हुआ वो चेंज है प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस रहा वो चेंज नहीं है तो वैसा तो वैसे करके आर फर्स्ट वाला बाई डिफॉल्ट लेना ही है तो प्लस वन कर दोगे तो आठ हो गया एन कितना टू फॉर्मुला कितना, कितना अपने को यूज करना है. तो ये हो गया मेरा डन मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया था कैलक्यूलेट यू आर विच इज टू एन वन एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस वन ऑप्शन ही नहीं है यू हैविल्मला फॉर श्योर सो यहाँ पे फॉर्म्यूला गया टू एन वन एन टू एन वन टोटल नंबर ऑफ प्लस साइंस एन टू टोटल नंबर ऑफ माइनस साइंस

स्टैंडर्ड स्टैंडशन ऑफ आर अगेन फॉर्मूला देखो सिंपल वाला फॉर्मूला देखेंगे अपन लोग so, एक ये फॉर्मूला भी है और एक मेरा प्योर एन वाला फॉर्मूला भी है आई कैन अप्लाई आइदर ऑफ द सेम सो यहाँ पे ये रहा देखो एन वाला फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया है एन वन क्या है पता है एन टू यूज क्या है? पता, है पता है अपने को तो बेसिकली खाली फॉर्मूला का प्योर प्योर एप्लीकेशन है so 11 into 8 11 बस मतलब इसको सॉल्व करते जाना है अपने को 11 plus 8 का प्लस कर दो into लेवन प्लस एट minus 1 स्क्वायर चेंज किया आ गया आपका इधर 2.06 मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाया भाई खाली फॉर्मूला को अप्लाई किया फर्स्ट वाला फॉर्मूला को हम लोग ने अप्लाई किया है रूट ऑफ टू एन वन एन टू टू एन वन एन टू माइनस एन वन माइनस एन टू एन वन प्लस एन टू स्क्वायर एन वन एन टू माइनस वन तो इधर तक आ गया अब कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कैलकुलेट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट सो यहां पे देख लेते हैं अपन लोग क्या क्या है हा टोटल लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट यू माइनस टी इन टू आर टी इन टू सिग्मा आर तो सिग्मा आर मेरा इधर जीरो पॉइंट टू पॉइंट जीरो सिक्स टू पॉइंट जीरो सिक्स अब मेरा क्या बचता है टी तो इधर टी आई थिंक वो लोग ने क्वेश्चन में दे दिया है ये रहा सो व्हेन कैलकुलेटिंग टी एट द रेट और दूसरा और एक बात जब टी वन पॉइंट सेवन थ्री फोर करना है तो अभी अपने अपर लिमिट का रेंज एक लोअर लिमिट का रेंज तो ऊपर वाला 5.932 टू जब माइनस कर रहा हूं दैट इज लोअर लिमिट प्लस कर रहा हूं तब अपर लिमिट अभी क्लियर एवरीबॉडी लोअर लिमिट ये लोअर लिमिट गॉट इट गाइज बस मतलब एक्चुअली कुछ नहीं ये फॉर्मुला के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टी एट स्पेसिफाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज गिवन इन द क्वेश्चन नो टेंशन इफ आर लाइज बिलो अपर एंड लोअर लिमिट मार्केट एक्सिबिट वीक फॉर्म ऑफ सो अभी देखो ये मेरा सिक्स पॉइंट सिक्स अगर टेन परसेंट लेवल पे लेता हूं तो सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट एट थ्री टू एंड अगर मैं

बीच में वो नहीं है हो गया ये सम कंप्लीट रन टेस्ट मेथड इसको बोलते हैं रन टेस्ट मेथड टू चेक वीक फॉर्म ऑफ एफिशियंट मार्केट थियरी आइडियली पूछना नहीं चाहिए ये, ये सब। क्या है प्योर फॉर्मूला एप्लीकेशन है मतलब दिमाग लगाने वाला कोई चीज इसमें है नहीं बट ठीक है था तो मैंने करवा दिया

एक बार वो फाइंड आउट कर लिया उसके बाद में मेरे को कैलकुलेट करना है U1 तो U मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा N को यूज करके 2n1 n2 वन एन टू प्लस एन प्लस वन कर लिया डन फिर कैलकुलेट सिग्मा R उसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है 2n1 एन वन टिपिकल इन टू n2 एन वन माइनस एन माइनस एन टू प्लस एन स्क्वायर n1 वन एन माइनस ये मेरा इससे सिग्मा आर आ गया फिर बाद में लोअर लिमिट अपर लिमिट आ गया यू दिया होगा क्वेश्चन में जो जो इधर से मिला, यू, जो इधर से से मिला मिला तो एक दियार का एक step 4 का और एक गिवन होगा इन क्वेश्चन भाई lower limit, upper limit में वो आर बैठता है क्या है तो इट इज वीक फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी बात खत्म सिक्योरिटी चैप्टर खत्म

ऑल फ्रेश फॉर यू प्लीज एग्जाम टाइम तक उसको एटलीस्ट दोस्ट ब्ले दैट यू कैन गेट जरूर इस बात के लिए मुझे जरूर ब्लैसिंग दे देना इन द फॉर्म ऑफ योर लाइक्स एंड रेफर टू योर जूनियर्स की बस वो रिविजन लेक्चर्स देख ले क्या बोलते हो कैसा लग रहा है राइट right? ओके okay, अब एनसीक्यू रिलेटेड में हाफ एन आवर का कुछ सेशन लेने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर तो स्टे सब्सक्राइब इससे आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा एंड यार अस्ते अस्ते हो गए अपने पंद्रह तो स्टार्ट किया था मैंने तब लग रहा था कब होगा कैसे होगा टाइमली डन एंड uh, पूरा मैजिक बुक से अपना हो गया ठीक है कैसा लगा आप लोगों को डू कमेंट एंड एनीथिंग एल्स लेट मी नो टेक केयर कीप बाय